नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संचिता शुक्ला। तो ग्रह चक्र में आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण और गुरु पूर्णिमा दोनों की, जिसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं आचार्य आशीष मंगई जी। बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, तो गुरु पूर्णिमा के बारे में बताइए कि क्या महत्व होता है इसका जी। संचिता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पूछा है। बात गुरु की जा रही है और पूर्णिमा की जा रही है। पूर्णिमा तिथि जो होती है, पूर्ण तिथि अपने आप में कही गई है। पूर्णिमा तिथि पूर्ण तिथि है, संपूर्ण तिथि कहलाती है पूर्णिमा तिथि। इसी प्रकार गुरु भी अगर देखा जाए तो संपूर्णता उनमें निहित होती है। गुरु के बारे में ऐसा कहा गया है कि गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जिनके सामने आपका स्वयं का गुरूर नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, दरअसल वही गुरु है। और ऐसे गुरु की तलाश हमको कर लेनी चाहिए। तो बात हम कर रहे थे आज की पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा तो देखिए हर साल 12 महीने होते हैं हमारे सनातन धर्म में और प्रति माह पड़ती है पूर्णिमा। लेकिन आज की पूर्णिमा को क्यों गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। आज के दिन ऐसा शास्त्र सम्मत बताया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी का आज जन्मदिन मनाया जाता है और वो अपने आप में हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़े उनका स्थान है, उनको बहुत बड़ा गुरु का दर्जा है। तभी से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म में शुरू हुई कि हम अपने गुरु जो हमारे हमने मनाए हैं, हमने माना है उनको, उनका सम्मान करें। और गुरु का सम्मान दरअसल जो सही मायने में देखा जाए, जो व्यक्ति कर लेता है, तो वो ना सिर्फ उस गुरु सत्ता का सम्मान कर लेता है अपितु परम ब्रह्म का भी सम्मान कर लेता है। शास्त्रों में एक संचिता जी श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु की महिमा का जो प्रतिपादन किया गया है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, त्रिशक्तियां हैं, उनके समकक्ष भी नहीं, उनसे भी बड़े रूप में कही गई है। तो आज हम सभी, पूरा देश, पूरा विश्व गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहा है और आज इस चैनल की ओर से, हमारी तरफ से सभी को भरपूर शुभकामनाएं या मंगल कामनाएं जी। गुरु की महिमा वाकई अपरंपार है, लेकिन यहाँ दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप भी अगर आप चंद्र ग्रहण या फिर गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ भी सवाल आचार्य से करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी फोन लाइन उपलब्ध है आपके लिए और लगातार हमारे नंबर टेलीविजन पर शो हो रहे हैं, आप कॉल करें और ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गुरु पूर्णिमा को किस रूप में मनाया जाए, इसकी पूजन विधि क्या होगी जी। देखिए, गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि का जहाँ तक सवाल है, तो आपके जो भी गुरु हैं, यदि गुरु हैं तो ठीक बात है, नहीं तो आप आज के दिन गुरु भी मना सकते हैं, गुरु दीक्षा भी आज आप ग्रहण करके इसको आगे गुरु के रूप में मान सकते हैं। तो गुरु पूजन का ऐसा है कि जो भी ईश्वर तत्व है, गुरु तत्व है, तो उसको तो समय पहले आपकी श्रद्धा चाहिए होती है। विशेष रूप से ऐसा कुछ विशेष कि इतना पैसा, ये सब मेरे ख्याल से ऐसे ना तो गुरु ही इस रूप से होने चाहिए, ना ही शिष्य इस रूप से होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के आगे श्रद्धा सुमन आप जरूर चढ़ाएं। गुरु जो तत्व है उसका कारक ब्रह्मांड है, आकाश तत्व के स्वामी है, और गुरु के आगे मुझे ऐसा लगता है पीले रंग के पुष्प आप अपने गुरु को जरूर अर्पित करें, शॉल एवं श्रीफल से अपने गुरु का आज सम्मान करें एवं उनको तिलक करें एवं रक्षा सूत्र उनको बांधें। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप अपने गुरु जी से बोलें कि वो आपका भी तिलक करें ताकि आपके मान सम्मान में, समाज में आगे आपको यश मिले। एवं आज जो मुख्य रूप से आज करना चाहिए आपको अपने गुरुजनों से, एक रक्षा सूत्र जरूर उनसे, कलावा जिसको कहते हैं, कलावा रक्षा सूत्र आज जरूर अपने गुरुजनों से बंधवा लेना चाहिए ताकि ये आपका रक्षा आने वाले समय में इससे होए। तो मुख्य रूप से आपको जो भी आपकी श्रद्धा बने,
फूल फल मेवा मिष्ठान जो भी दक्षिणा आप समर्पित करना चाहें अपने गुरु को, तो इस रूप से आपको गुरु को पूजना चाहिए। अब बात यह आती है कि आज क्योंकि ग्रहण का भी काल है, शाम 4:30 बजे के पास से लगभग सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको इस समय के पूर्व अपने गुरुजनों का अभिवादन कर लेना चाहिए एवं उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि गुरु किसी भी मोह माया का मोहताज नहीं होता है, उन्हें बस पुष्प अर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें, यही गुरु के लिए बड़ी चीज हो जाती है। चलिए, आज चंद्र ग्रहण भी है, तो आचार्य आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव किन राशियों पर पड़ रहा है? जी देखिए, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है आज, दरअसल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ रहा है, तो राशिवार हम ये समझें कि ये इसका जो प्रभाव है धनु राशि एवं अगली जो राशि है मकर राशि पे पड़ रहा है। धनु राशि पे समझ सकते हैं आंशिक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मकर राशि पे पूर्ण प्रभाव इसको बोल सकते हैं। तो कुल मिला के धनु एवं मकर राशि के पे यह प्रभाव पड़ रहा है। और यदि हम ये समझें कि द्वादश राशियों पे इसके क्या प्रभाव आ सकते हैं, तो पूर्णिमा का जो ऐसा माना गया है एवं समझा गया है कि आज चंद्रमा दरअसल मन का कारक होता है, तो मन से ही मन के हारे हारे एवं मन के जीते जीत, आपने संतीचरी ये सुना होगा श्लोक, तो इसमें यह होता है कि अगले 12-15 दिन विशेष रूप से आपको अपने मानसिक चीजों को लेके सावधान रहना चाहिए, विशेष तौर पे धनु एवं मकर राशि के जातकों को। वहीं यदि हम बात करके समझने की कोशिश करें राशिवार कि किस राशि के व्यक्ति को क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनके किस भाव पे यह ग्रहण पड़ रहा है, उस हिसाब से उनको चीजों का सामना आने वाले एक पखवाड़े मतलब 15-20 दिनों में करना पड़ सकता है। बात करते हैं हम पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के नवम एवं दशम भाव पे ये ग्रहण का प्रभाव अगले 15-20 दिन तक रहेगा, तो मैं समझता हूं कि मेष राशि को अगले 15-20 दिन के लिए अपने कार्य क्षेत्र पे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मेष राशि के जातकों को ऐसी चाहिए कि वह जो भी काम करें अपने कार्यालय में करें या बिजनेस में करें, तो पेपर जो भी है वो सावधानी से पढ़ें, कोई भी ईमेल कर रहे हैं तो सावधानी का, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन गैप ना हो, किसी प्रकार की उस प्रकार की चीजों का सामना उनको ना करना पड़े। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम एवं नवम भाव पे यह गोचर का प्रभाव पड़ रहा है, तो उनको जो भी ऐसे विशेष तौर पे विद्यार्थी वर्ग हैं, तो विद्यार्थी वर्ग को मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15-20 दिनों में तनाव पढ़ाई को लेके या कंफ्यूजन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि अष्टम भाव पे जो चंद्रमा विशेष रूप से बताया गया है कि सही नहीं माना गया है, तो यह जो दूसरी राशि है, इस दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों को आज और कल अगले 2-3 दिन विशेष रूप से तनाव भरे हो सकते हैं। अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 7वें एवं 8वें भाव पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो मिथुन राशि के जातकों को दाम्पत्य जीवन में कुछ चीजों का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसको लेके वह सचेत रहें। अगली राशि आती है जो कि सब में ज्यादा संवेदनशील राशि मानी गई है, कर्क राशि। कर्क राशि के 6वें एवं 7वें भाव पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि समय संवेदनशील राशि कर्क राशि मानी गई है, तो 6वें भाव को रोग भाव से भी दरअसल नापतोला जाता है, तो इसमें कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि सर्दी जुकाम कफ वाली जो मौसम बदलने के कारण इस वक्त जो सामयिक बीमारियां हैं, इसको लेके उनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए अगले 15-20 दिन। पंचम राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के 5वें एवं 6वें भाव पे ग्रहण का असर पड़ रहा है, तो पंचम भाव जो है हमारा नेम फेम का भी भाव होता है, तो 5वें भाव सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अगले 15-20 दिन वह अपने मान सम्मान को लेकर विशेष सावधानी रखें। कन्या राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि कन्या है। 4थे एवं 5वें भाव पे ग्रहण का फर्क पड़ेगा। 4था भाव जो होता है सुख भाव होता है एवं माता का भी भाव कहलाया जाता है, तो कन्या राशि के जातकों को मेरी ओर से यह सलाह रहेगी कि हम कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, मोहिनी शर्मा, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, हम आगे और राशियों के बारे में जानेंगे। मोहिनी अपना सवाल करें। हेलो
हेलो, यदि उनकी आवाज ना आ रही हो तो आप सुन लीजिए और फिर हमको बता सकते हैं प्रश्न उनका। हेलो मोहिनी, अपना सवाल करें। हेलो बताइए मोहिनी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए, थोड़ा तेज बोलिएगा। हेलो बताइए मोहिनी जी। लगता है हमारा मोहिनी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अपनी चर्चा को आगे राशियों के बारे में जान रहे थे आचार्य आपसे। हम आगे जी चर्चा चल रही थी कि कन्या राशि की, तो कन्या राशि को विशेष रूप से आगामी 15 से 20 दिन चाहिए कि वे अपने माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को तीसरे एवं चौथे भाव से चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, तो विशेष रूप से जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ अच्छे संबंधों का उनको तुला राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के दूसरे एवं तीसरे भाव से इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उनको अपने कुटुंब में तथा अपना दूसरा भाव जो वाणी का भी कहलाया जाता है, वाणी का एवं धन का भी कहलाया जाता है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि उनके कुटुंब का जो भी कुटुंब घर परिवार के लोगों से उनके संबंध अच्छे रहें। वाणी में विशेष उनको आने वाले दिनों में सतर्कता बरतनी चाहिए कि वाणी से उनसे उनका किसी रूप से उनका प्रभाव ना पड़े। अगली राशि यदि हम बात करते हैं तो धनु राशि आ रही है। अब देखिए धनु राशि के तो लग्न पर ही इसका असर पड़ रहा है एवं दूसरे भाव पर भी इसका असर पड़ रहा है, तो धनु राशि के व्यक्तियों को ऐसा चाहिए कि कोई भी चोट चपेट से उनको सावधानी बरतनी चाहिए। गाड़ी वो विशेष रूप से अच्छे से चलाएं, तो ये उनका ध्यान रखना चाहिए। अब अगली राशि आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि के लोगों को अगले 15-20 दिन मुझे लगता है कि गुस्से वाली स्थिति या तनाव वाली स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है, तो इन चीजों का मकर राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के द्वादश एवं एकादश भाव से इसका संबंध बढ़ रहा है, तो कुंभ राशि के जातकों को ये चाहिए कि उनका कोई भी ऐसा रोग जिसको बोलते हैं पैतृक रोग है, लंबे समय से चला आ रहा रोग हो, तो उस रोग को लेके उनको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगली राशि आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों को चाहिए कि कर्म क्षेत्र में वो अपने जो उनके अधिकारी वर्ग हो, तो अधिकारी वर्ग से उनको बना के रखने की आवश्यकता है। हो सकता है उनके जो कोई वरिष्ठ अधिकारी हो तो उनसे ऊपर वो खफा हो सकते हैं, तो चीजों को लेके सामयिक चीजें होती हैं, तो विशेष रूप से मीन राशि के लोगों को इस रूप से सावधानी रखनी चाहिए। चलिए ये तो आपने जाना 12 राशियों के बारे में। एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दूं कि हमारी फोन लाइंस ओपन है, अगर आप आचार्य से कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण आज है, तो चंद्र ग्रहण के दौरान जो हम नियमों का पालन करते हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न संचिता जी आपने यहाँ पूछा है, एवं मैंने द्वादश राशियों का जो पूरा क्रम बताया उसमें यह चीज नहीं बताई थी। देखिए आज के समय में मैं देखता हूँ सभी तरीके के 12 राशियों के लिए उपाय बता देते हैं, लेकिन मैं कैसा सभी ऐसा उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ जो द्वादश राशि अर्थात 12 राशि के लोग हैं, जातक हैं, वह करेंगे तो उससे निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। देखिए मामला क्या होता है संचिता जी कि चंद्रमा, जैसे कि मैंने बताया, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, ठीक है, और हमारा इस शरीर, वैज्ञानिक भाषा में भी इसको हम समझने की कोशिश करें तो मानव शरीर में कम से कम 70% वाटर एलिमेंट जो पानी वाला तत्व है ना, तो इसका बहुत ज्यादा असर पूर्णिमा के दौरान शरीर पे हमारे पड़ सकता है, विशेष तौर पर कि तब जब पूर्णिमा ऐसे ग्रहण का काल हो। टेक्निकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो चांद की दूरी होती है वो पृथ्वी के बहुत करीब आ जाती है चांद, तो चंद्रमा जब पृथ्वी के करीब आएगा तो पृथ्वीवासियों पे, जल तत्व पे उसका प्रभाव सब में ज्यादा पड़ेगा, तो हमारे मन पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक स्टडी ये भी है संतीजा जी कि जो अक्सर आत्महत्याओं की केस होते हैं पूर्णिमा के आसपास ही होते हैं, तो विज्ञान भी लगभग ये सिद्ध कर चुका है
कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, और यदि उस तिथि पे चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है तो हमको कहीं ना, और जैसे कि हमने आज समझने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो हमारे मन में जो इस प्रकार के विचार को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं समझने की कि चंद्रमा आखिर कहाँ है। चंद्रमा हम देखते हैं शिव जी के माथे पे है। तो शिव जी का यदि हम 12 राशि के जातकों के लिए ये एक आसान मंत्र है, नमः शिवाय का आप जप करें, अभी आज के दिन विशेष रूप से करें, ग्रहण काल में तो जप को सिद्ध करने वाला बताया गया है, तो नमः शिवाय का व्यक्ति विशेष को चाहिए जप करना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे हमारा चंद्रमा जो है हमारे अनुकूल होगा, हमारा मन मजबूत होगा। तो चंद्र ग्रह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो छोटे रूप में पड़ेगा, अथवा यह भी हो सकता है कि पड़े ही ना। तो ये सभी 12 राशि के जातकों को मेरी सलाह रहेगी कि वह नमः शिवाय का प्रयोग, मंत्र का जाप यथाशक्ति आज के दिन करें, ग्रहण काल में करें तो जब सिद्धि वाला मामला होता है, अन्यथा आज से शुरू करके, आज पूर्णिमा तिथि से शुरू करके अगले 15 से 20 दिन निश्चित रूप से सभी को करना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, चंद्रमा क्योंकि सफेद वस्तुओं का कारक है, दूध एवं दूध से बने हुए उप पदार्थ जो है उनका कारक है, तो सभी राशि के लोगों को यह दूसरा उपाय है कि आज चंद्र ग्रहण रात मध्य रात लगभग 1:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक है, कल सूर्योदय के उपरांत दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या दही, इसका वह यथाशक्ति दान जरूरतमंद को कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव है उनका असर लोगों पे कम से कम पड़ेगा अथवा ना भी पड़े। आचार्य, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूतक काल के दौरान जो चीजें बंद कर दी जाती हैं, पानी जल में तुलसी के पत्र डाले जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता है, क्या वजह होती है इसकी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ आपने पूछा है संचिता जी, और मुझे लगता है एक व्यापक इस चैनल के जरिए व्यापक रूप से इसका लाभ आप सभी दर्शकों को मिलेगा। देखिए, होता क्या है कि जब सूतक काल होता है तो सूतक काल में, ऐसा विज्ञान का कहना है कि सूतक काल में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया अर्थात कीटाणुओं के पनपने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूतक काल में ऐसा निर्देशित किया है आम जनता को कि वह भोजन ना करें, इस रूप से बताया गया है, क्योंकि वो भोजन यदि कर लेंगे तो बीमार पड़ने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो यह हमारे सनातन धर्म के ऋषि मनीषियों ने भी कहा है, और इस बात को आज विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है। तो सूतक जो काल होगा आज शाम लगभग 4:30 बजे से शुरू होगा, तो इस अवधि में सभी लोगों को चाहिए कि वह खाना ना खाएं। हाँ, इसमें शास्त्र जो है हमारा एक छूट देता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, अथवा वृद्ध जन होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खाना खा लेना चाहिए। अब होता क्या है, आपने संचिता जी एक चीज और सुनी होगी कि तुलसी दल होता है, तुलसी के पत्ते ग्रहण काल से पहले खाने में, पानी में, इत्यादियों में डाल दिया जाता है। दरअसल तुलसी का पत्ता जो होता है कीटाणु बैक्टीरिया नाशक माना गया है और शुभ माना गया है, भगवान विष्णु का बहुत अति प्रिय है ये। तो ये जो हम तुलसी दल, तुलसी पत्ते पानी में, जल में, खाने पीने की वस्तुओं में डब डाल देते हैं तो बैक्टीरिया वो उससे समाप्त हो जाते हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव है वो हट के शुभता आ जाती है हमारे भोजन में। तो इसलिए ऐसा कहा गया है एवं माना गया है कि सूतक के से पहले पूर्व थोड़े से तुलसी, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, एक पत्ती को यदि आप तोड़ रहे हैं तो 2 से 3 टुकड़े तोड़ के उसको विभिन्न अपने खाने के पदार्थों में डाल लें, ताकि बैक्टीरिया इत्यादि से आपको नुकसान ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको भी, आप सभी दर्शकों को भी जानकारी मिली होगी, महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे साथ आचार्य आशीष मंगे जी ने साझा की। उम्मीद है आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और आप इसे अपना सकेंगे और गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों में इसका लाभ लेंगे। ग्रह चक्र में फिलहाल इतना ही, और आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।